बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने अपने पहले फैसले से सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। मोहन यादव का ये फैसला आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेहद खुश कर देगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कुछ आदेश जारी किए हैं। योगी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए मोहन यादव ने धार्मिक स्थानों पर बजने वाले लाउड स्पीकरों को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। इसके अलावा राज्य में खुले में बिक रहे मांस पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये आदेश मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने जारी किया है। मोहन यादव ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि खुले में मांस बेचने, धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करवाने के लिए ही मोहन यादव सरकार ने ये फैसला लिया है। आप शायद ना जानते हो लेकिन मोहन यादव जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने 2021 में हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस को कॉलेजों में वैकल्पिक विषय बनाने की घोषणा की थी। बहरहाल आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब हाल ही में सीएम योगी की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकरों को उतरवाया गया था। लोगों ने लाउड स्पीकरों को लेकर दोबारा कानून का उल्लंघन शुरू कर दिया था लेकिन सीएम योगी ने कानून तोड़ने वालों की नकेल दोबारा कस दी। यूपी पुलिस जब कानून तोड़ रहे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सड़कों पर उतरी तो कईयों ने खुद ही लाउडस्पीकर उतार लिए। अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी फैसले ले रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इन फैसलों के पीछे कई लोग धर्म ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन असल में चाहे योगी हो या मोहन यादव ये सभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करवा रहे हैं। आपको बता दें कि मोहन यादव महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं। शपथ लेने के बाद ही मोहन यादव बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे और दर्शन करते ही मोहन यादव ने बड़ा फैसला ले लिया। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए, उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहाँ कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे।